नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है कि टिड्डे का घर में आना आपके लिए क्या संकेत लाता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। अब बात कर लेते हैं टिड्डा की। तो टिड्डा गांव में अक्सर मिल जाता है, कभी कभी ये शहर में मिल जाते हैं, और ये अक्सर वहां पाए जाते हैं जहां हरी भरी घास होती है। इनका रंग अक्सर हरा होता है और कभी कभी ये पीले भी होते हैं, और ये अक्सर आपके घरों में उछलते हुए आ जाते हैं। कभी ये उड़ते हैं तो कभी कभी ये फुदकते हुए आपके घरों में आ जाते हैं। टिड्डा कैसा होता है और इसका आने का क्या संकेत होता है, तो मैं आपको बता दूँ, टिड्डा कोई साधारण जीव नहीं है। यदि ये आपके घर में बार बार आ रहा है तो यह आपके लिए शुभ समाचार नहीं होने वाला है। टिड्डा का आना यानी कि महामारी का आना। टिड्डियाँ जहाँ भी जाती हैं वहाँ नुकसान ही करती हैं। टिड्डा एक ऐसा जीव होता है जहाँ अगर फसल में इसकी बहुतायत हो जाए तो ये फसलों को खाकर टचट कर जाता है। इसके अलावा ये आपके घर में यदि आता है बार बार तो आप सावधान हो जाइए। आने वाले समय में हो सकता है आपके घर में बहुत सी बीमारियों का आगमन एक साथ हो जाए, या इसके अलावा आपके घर में कुछ आर्थिक बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए यदि आपके घर में टिड्डा बार बार आता है तो एक बात का ध्यान रख लीजिए कि आपको इसका निवारण करने के लिए भगवान श्री राम का आराधना करनी है। इसके अलावा आपको शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य करना है। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो ये टिड्डा का जो है दोष मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।